सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, प्रकृति से परे जो परब्रह्म अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसी विद्या और कैसे कामों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, स्वल्पाहार करने वाला और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से अतीत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मुनि को चाहिए कि अपने घर से निकलकर फिर लाभ और हानि में समान भाव रखे। यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगे, तो उनकी भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मन से किसी वस्तु को दूषित न करे, अर्थात मन, वचन और व्यवहार द्वारा किसी के प्रति दुर्भाव प्रकट न करे, तथा किसी के भी सामने या पीछे उसके दोष न कहे, किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचावे, सूर्य के समान सदा विचरता रहे, तथा कभी किसी के साथ वैर न ठाने, अपनी निंदा को सहन करे, किसी के प्रति अभिमान न करे, कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मार पीट करे तो स्वयं उसके हित की ही बातें कहे। गांव में रहकर लोगों के साथ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार न करे तथा भिक्षा वृत्ति को छोड़कर किसी के घर पहले से निमंत्रित होकर न जाए। मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करे तो भी शांत रहे, अपने मुंह से कोई कठोर शब्द न निकाले, सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बनावे। जब पाकशाला से धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, सब लोग भोजन कर चुके और परोसना भी बंद हो जाए, उस समय यति को भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का प्रयत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए, इसकी भी परवाह न करे। यदि ना मिले तो दुखी ना हो और मिल जाए तो प्रसन्नता न माने। इन तुच्छ लौकिक लाभों की इच्छा न करे। जहां विशेष सत्कार होता हो वहां भिक्षा न करे। इसके सिवा सत्कार वश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे बचता ही रहे। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष या गुण कहकर उसकी निंदा या स्तुति न करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूनी कुटी, वृक्ष के नीचे, वन में अथवा गुफा के भीतर अज्ञात चर्या से रहकर आत्म अनुसंधान में ही निमग्न रहे। अनुकूलता और प्रतिकूलता में अविचल अविनाशी सम स्वरूप ब्रह्म भाव से स्थित रहे तथा अपने कर्मों से पुण्य पाप रूप कर्म फल की भावना न करे। सर्वदा तृप्त और पूर्णतया संतुष्ट रहे। मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास न फटकने दे। प्रणवादी के जप में तत्पर रहे तथा वैराग्य का आश्रय लेकर मौन रहे। देह और इंद्रिय आदि भौतिक पदार्थों में अनात्म दृष्टि का अभ्यास रखे। जीवों के जन्म मरण पर विचार करता रहे। किसी वस्तु की इच्छा न करे। सब पर समान भाव रखे। भात आदि पकाए हुए तथा कंद मूल आदि बिना पकाए भोजन से निर्वाह करे तथा आत्म लाभ के लिए प्रशांत चित्त, मिताहारी और जितेंद्रिय रहे। तपस्वी को वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को वश में रखना चाहिए। जहां निंदा या प्रशंसा हो वहां दोनों में समान भाव रखकर उदासीन रहना चाहिए। सन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण अत्यंत पवित्र माना गया है। सन्यासी को उदार चित्त, सब प्रकार जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, अनिकेत और समाहित चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित देश में नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थों से संसर्ग नहीं रखना चाहिए।
अपनी रुचि को बिना प्रकट किए जो वस्तु मिले उसी को पाने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह सन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष स्वरूप है, किंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने इस धर्म को विद्वानों के लिए मोक्ष का विमान ही बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान करके घर से निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अजर अमर हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृत्रासुर की कथा सुनाना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई और व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है। न जाने यह दुखनाशक सन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम न जाने कब यह राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। भीष्म जी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है, सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्ध ही है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। तुम जैसा मानते हो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसलिए समय आने पर अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय यह ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है, उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्रासुर ने किस प्रकार का आचरण किया था, उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृत्रासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा, तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य जी ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है?